हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रेम, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, गणेश मूर्ति का एक और नया पार्ट आप सबके लिए हाजिर है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी काफ़ी करीब है और काफ़ी लोग जो हैं गणेश मूर्ति के लिए इधर उधर जरूर ढूंढ रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक और ऐसे जगह लेकर आ गया हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे बनती है बेहतरीन गणेश मूर्ति। और अभी है हम लोग रायपुर के माना के माँ काली मूर्तिकला केंद्र में, जहाँ पे आपको भव्य गणेश मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको सीधे अंदर लेके चलता हूँ और आपको जो है जो गणेश मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है माँ काली मूर्तिकला केंद्र, जहाँ के मूर्तिकार है रंजित विश्वास, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको इस बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो जगह है ये है रायपुर एयरपोर्ट वाले रूट पे, जहाँ पे ये मूर्तिकला केंद्र देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर में, जहाँ पे बनी हुई है एक से बढ़कर एक गणेश मूर्तियाँ, ये देखिए। तो शुरू में ही यहाँ पे हमें गणेश जी देखने को मिले हैं, जो अभी सिंगल कोटि के साथ है। इसमें अभी घिसाई होगी, फिर कलर होगी। तो ये तो हो गया अपना बिना कलर वाला, और जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे ना, हमें कलर वाले मूर्ति देखने को मिलेंगे। और इस तरफ भी देखिए, तो इसमें तो अभी काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं करने को। और इस तरफ भी देखिए, तो ये वाला बुक हो चुका है जो आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन ये मूर्ति बनी हुई है। और इस तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए। तो इसमें अभी काम बाकी है कलर का, तो फर्स्ट कोटिंग इसका कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला तो मूर्ति देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये देखिए। ऑलमोस्ट जो है इसकी जो हाइट है वो लगभग 8 से 9 फीट की है। और ये वाला भी देखिए, तो इस तरफ के जो मूर्तियां हैं उसमें कलर नहीं हुए हैं। और इस तरफ देखिए, ये वाला जो मूर्ति है इसमें कलर स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये तो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और नीचे में आपको शेषनाग देखने को मिलेंगे, इस तरफ आप देख सकते हैं। और ये हो गया, तो ये जो मूर्ति है ना, ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में है। महाराष्ट्र में ये वाला जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, ये देखिए। इस यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी है ये, तो इस तरफ जो मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, देखिए काफ़ी बड़ी साइज़ में यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिलेंगी। इस तरफ भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। और ऊपर में आपको शंकर जी, शिव जी भी देखने को मिलेंगे। और नीचे में ये शेर है, ये देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये वाला। और यहाँ पे भी देखिए, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कंप्लीट हो चुका है, बस जो गणेश जी की मूर्ति है उस पर काम बाकी है, ये देखिए। और ये वाला भी आप देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। ये सारे जो मूर्ति हैं ये महाराष्ट्रियन स्टाइल है, जहाँ पे महाराष्ट्र में जाओगे ना तो इसी तरीके के मूर्ति आपको ज़्यादा रखे हुए देखने को मिलेंगे, ये देखो। और इस तरफ से ये वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, तो थोड़ा सा अंधेला अंधेला आपको लग रहा होगा, ये देखिए। बट जो मूर्तियाँ हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, ये देखिए। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसके जो मुकुट है, पगड़ी है, वो थोड़ा सा हटके है, ये देखिए। ये लंबोदर, लंबोदर स्टाइल में है ना, काफ़ी बढ़िया है। इस तरफ भी देखिए, ये देखो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ बगल में आपको शिव जी भी देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए, एक साथ जो है। और नीचे में आपको नंदी बैल है और वहाँ पे मूषक है। और इस तरफ भी देखिए, तो इसको जो है मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ आपको। तो इस तरफ से देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका कलर भी काफ़ी यूनिक हटके है थोड़ा सा, ये देखिए। तो के जो मूर्तियाँ हैं आप देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े रूप में बनाए गए हैं। और ये वाला देखिए, काफ़ी हटके लग रहा है।
और इनके जो पीछे है ना, उनके पीछे में आपको ड्रैगन देखने को मिलेगा, गणेश जी के पीछे में। और ये देखिए, ये महाराज स्टाइल में जो है गणेश जी है। तो एग्जैक्ट मुझे जो है गणेश जी का नाम नहीं पता, मतलब कौन से आसन में किन को क्या बुलाते हैं, तो इसके लिए मुझे कोई कोट मत करना भाई। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया रूप से यहाँ पे आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इस तरफ भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे और काफ़ी विशाल जो है गणेश जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन है। और ये वाला आप देख सकते हो कितना बेहतरीन है। तो अब जो है मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उसमें ऑलमोस्ट कलर कंप्लीट होने को है। ये देखिए, इसमें ऑलमोस्ट जो है कलर कंप्लीट होने को है, बस स्टोन का जो काम है वो बाकी है। और इस तरफ देखिए, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। ये देखिए, तो इसमें ऑल ओवर वर्क हो जाएंगे ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इस तरफ भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो ये जो मूर्ति आप अभी अपन देख रहे हैं, ये आएंगे लगभग 4 से 5 फीट में। ये देखिए, ये शिव जी के रूप में गणेश जी। तो इस बार जो है हमें शिव जी के रूप में गणेश जी काफ़ी देर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और ये देखो नीले रंग में पूरा गणेश जी, काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। और ये थोड़ा सा इसका जो टोपी है या पगड़ी है वो हटके है यहाँ पे, देखिए। और इस तरफ जो है कुर्ते पैजामे में आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे। और इस तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत है। और जो बड़े साइज़ के गणेश जी हैं ना, वो अगर कलर हो जाते हैं उसके बाद देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि ये सब देखिए, इसमें ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं 60-70%। ये देखिए, जो फिनिशिंग टच होते हैं वो डिलीवरी से 1-2 दिन पहले आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी 70-80% काम हो चुके हैं। जो स्टोन वगैरह के जो फिनिशिंग टच वगैरह है वही सिर्फ बाकी है। ये देखिए, और सामने की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, इस तरफ काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे भी आप देखिए, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो सभी जो मूर्तियाँ हैं वो एक से बढ़कर एक है। ये देखिए, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड जो है मैं कवर करते ले चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड एक से बढ़कर एक है। ये देखिए, और इस तरफ भी देखिए। तो एक साइड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर रिटर्न टाइम में जो है एक साइड में आपको दिखाते ले चलूँगा। और ये देखिए, ये जो है गणेश जी दासियों के साथ नज़र आएंगे। यहाँ पे जो है अगल बगल में आपको दासियाँ नज़र आएंगी। और इस तरफ देखिए, ये आएंगे शेषनाग जी के साथ गणेश जी। इस तरफ देखिए, तो काफ़ी खूबसूरत जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं गणेश जी की। तो इसमें अभी कलर होना बाकी है ये सब में। ये देखिए, ये अभी फर्स्ट ही कोटिंग है वाइट में, फिर इसमें जो घिसाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद अब सीधा जो है फाइनल कलर चढ़ने वाले हैं। ये देखिए, और यहाँ पे भी देखिए, ये वाला एक नंबर लग रहा है, बेहतरीन। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी खूबसूरत जो है आपको यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है 12 महीने काम चलते हैं। इनके साथ ही साथ जो है अभी दुर्गा पूजा भी आने वाला है 1 महीने के गैप में, तो दुर्गा पूजा टाइम में फिर से आपको लेके आएंगे और जो मूर्तियाँ हैं वो आपको दिखाएंगे। बट अभी गणेश का टाइम है, तो ये गणेश जी का मूर्ति आप देख सकते हो कितने कमाल के हैं। और ये वाला देखिए, पीछे जो है आपको फूल देखने को मिलेगा, पंखुड़ी में जो है गणेश जी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये वाला देखो, इस तरफ से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट का कम है,
नहीं तो और भी मजा आता आपको दिखाने में। ये देखिए काफी खूबसूरत मूर्तियां हैं। तो ये है माँ काली मूर्ति कला केंद्र माना कैंप रायपुर। तो भैया जी का जो कांटेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑर्डर रहता है या मूर्तियों के बारे में जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं।